हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। बहुत बुरे वाला कोल्ड हो रखा है, जो कि आपको मेरी आवाज़ से पता लग ही रहा होगा, तो मेरी आवाज़ को इस वीडियो में ज़रूर बेयर करना और माफ़ करना, क्योंकि वीडियो बनानी ज़रूरी थी तो मुझे ऐसे में भी बैठना पड़ा बनाने के लिए। सर्दी बहुत हो रही है, किस किस के यहाँ ओले बर्फ पड़े हैं वो ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो में क्या है वो आप लोग टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ स्ट्रेच मार्क्स की, प्रेगनेंसी में होते हैं जो बेसिकली, ये वीडियो में हम प्रेगनेंसी में जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अदरवाइज स्ट्रेच मार्क्स तो और कंडीशंस पे भी होते ही हैं, वो भी मैं इसमें ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो जो कोई नए हैं इस चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी के रिलेटेड, कि मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए थे, मैंने क्या क्या किया था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, और मैंने क्या ऐसी फर्स्ट प्रेगनेंसी में गलती करी जो आप लोग जो फर्स्ट टाइम मॉम्स हैं, जो प्रेगनेंट हैं, जो वो ना करें और वो शायद स्ट्रेच मार्क्स से बच जाएँ या फिर उतना सीवियर एक्सट्रीम स्ट्रेच मार्क्स उनको ना आए। तो लास्ट तक ज़रूर देखना। कुछ एक दो यूज़फुल टिप्स भी हैं जो काम आती हैं, बहुत यूज़फुल होती हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो फर्स्ट हम जो क्वेश्चन लेंगे वो है स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं? तो स्ट्रेच मार्क्स सबको पता है कि जो हमारी बॉडी पे लाइंस बन जाती हैं, जो कि स्टार्टिंग में थोड़ी पिंकिश रेडिश होती हैं, फिर वो टाइम के साथ थोड़ी ब्लैकिश होती हैं, और जब उनको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो वो थोड़ी और वाइटनेस की तरफ आ जाती हैं। जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो बेसिकली हमारे शरीर पे पड़ने वाले वो निशान हैं जब भी हमारी बॉडी बहुत बड़े फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से अंडरगो करती है, तो उस पर जो भी निशान पड़ते हैं। वो निशान क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी में इलास्टिक टिश्यू होता है, जो हमारी स्किन में होता है, जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी होती है, उसमें जब अच्छे से मॉइस्चराइजेशन नहीं होती है, हमारी स्किन एक्सपैंड करती है, वो टिश्यू जो है वो एक्सपैंड करता है, इस वजह से हमारे स्किन पे वो मार्क्स आते हैं। ये मार्क्स जो हैं टीनेज में भी आते हैं। अगर आप लोग बहुत एक्सेसिव वेट गेन कर लेते हैं या फिर वेट लूज भी करते हैं तो भी आते हैं, और प्रेगनेंसी में तो आते ही आते हैं। प्रेगनेंसी में इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाती है, एकदम से बेली बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। हमारी बॉडी का जो बेली एरिया होता है, मोस्टली बेली एरिया ही ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि बेबी को एकोमोडेट करना होता है, उसको एरिया चाहिए होता है। तो अगर हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजेशन नहीं होगा, हमारे जो बॉडी के टिश्यू हैं जब वो एक्सपैंड करते हैं तो उसमें मॉइस्चराइजेशन की कमी की वजह से हमारे में वो लाइंस पड़ती रहती हैं। तो मेरा जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तब मेरा बॉडी पे एज सच, मतलब बॉडी प्रेगनेंसी की मेरे टमी एरिया पे एज सच कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं थे। हाँ, जब मैं टीनेज में थी तब मेरे को थाइस पे, और हम स्पोर्ट्स में थे तो थाइस वगैरह पे मुझे थे, ये शुरू से मेरे रहे हैं। तो ऐसा है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे स्टार्टिंग के टाइम पे इतना नहीं था। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करा, जो भी कोई वहाँ मेरे को भी देख रहा होगा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होगा वो इस चीज़ से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स का बहुत ज़्यादा डर होता है, सबको होता है, मुझे भी था। मैंने भी बहुत सर्च करा है, बहुत यूट्यूब वीडियोज़ देखी हैं, बहुत नेट पर देखा है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, तो मुझे पता है कि सारी लेडीज़ को ये टेंशन होती ही होती है। तो मैंने क्या किया था वो मैं आपके साथ अभी आगे डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द ऑड्स ऑफ गेटिंग स्ट्रेच मार्क्स। आप ये एक तरह से जेनेटिक होता है, अगर तो आपकी फैमिली में आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर, मतलब नानी, मासी और मम्मी को स्ट्रेच मार्क्स हैं, किसी भी चाहे वो प्रेगनेंसी में हो या ओल्ड एज टाइम पे हो या उनके टीन टाइम पे, तो देयर आर बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको भी स्ट्रेच मार्क्स होंगे ही होंगे, ये श्योरिटी है। बट अगर आपकी फैमिली में जेनेटिक्स में स्ट्रेच मार्क्स नहीं हैं तो ये चांसेस हो सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सिवियर ना हो, और मे बी हो ही ना, कोई एक दो मार्क्स स्कार हो जाएगा तो दैट्स इनफ, बहुत ज़्यादा नहीं होता वो आपको हो और आप फिर उनसे ज़्यादा बच सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, क्या हम स्ट्रेच मार्क्स को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं? तो इसका क्वेश्चन है नो, हम स्ट्रेच मार्क्स को बिल्कुल भी क्योर नहीं कर सकते, हम उनको सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं, अपनी बॉडी पे आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर वो एक बार आ गए तो उनको हम टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अप्लाई करके लाइट कर सकते हैं, उनके जो कलर है वो लाइट कर सकते हैं। मैं आपको अपनी अपने टमी की एक एक फेज की पिक्चर मैं आपको ज़रूर शो करूँगी, जैसे जैसे आगे मेरा मतलब मेरा टाइम हुआ है फर्स्ट प्रेगनेंसी में या अभी सेकंड में भी, तो मैं उससे आपको पता चलेगा कि स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता। आपकी बॉडी पे अगर वो एक बार आ गया तो वो लाइफ टाइम रहेगा। फिर उनको रिमूव करने के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स हैं, जो कि लेज़र है, स्किन ट्रीटमेंट्स हैं, वो सब हैं। बट एक नॉर्मल लेमैन, मतलब हम नॉर्मल लेडीज़ जो हाउसवाइफ होती हैं या वर्किंग होती हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब इंडस्ट्री टाइप में नहीं होती, उन लोग अगर वो लोग चाहें कि वो उसे हटा लें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, वो टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा फेड होता चला जाता है। ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजेशन से, अपनी बॉडी का, अपने स्किन का ध्यान रखने से। जैसे हम अपने फेस का ध्यान रखते हैं, अपने हेयर्स का ध्यान रखते हैं, वैसे ही वैसे हमें अपनी और एरिया की स्किन्स का भी ध्यान रखना होता है, जो कि मोस्ट प्रॉबली हाई एरियाज होते हैं स्ट्रेच मार्क्स आने के। वो क्या होते हैं प्रेगनेंसी में? बटक्स, टमी, थाई एरिया, अंडर आर्म्स एरिया, ये सारे जो एरियाज हैं उन पे फ्रिक्वेंसी, मतलब उन पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि स्ट्रेच मार्क्स हो। टमी तो सबसे फर्स्ट पोजीशन है आने की। तो नेक्स्ट, अब मैं बात करती हूँ अपने एक्सपीरियंस के लिए कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या किया जिसकी वजह से मुझे आए या नहीं आए वो मैं भी आपको बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से। तो ऐसा था, मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स नहीं थे, मैंने बहुत सर्च करा था, तो मैंने जो सर्च करा वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ जो मैंने करा। तो ऐसा था कि मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी सर्दियों में, अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी और डिलीवरी थी जून में। तो मेरी जब विंटर्स थी तब मैंने अपनी टमी एरिया पे, मोस्टली टमी एरिया पे और कहीं नहीं, मतलब मॉइस्चराइजेशन हर जगह पर मेन फोकस था मेरा टमी एरिया पे। तो मैंने अपने टमी एरिया पे फुल 5 to 6 months तक, जब तक प्रॉपर गर्मियाँ नहीं आ गई, मैंने अपने टमी पे लगाया कोकोनट ऑयल। हाँ जी, सबसे बड़ा जो इफ़ेक्टिव हमारे स्किन के लिए रहता है वो है कोकोनट ऑयल। और बहुत सारी क्रीम्स हैं वो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगी, बट अगर किसी को कोई क्रीम नहीं लगानी है या मतलब उसका मन नहीं है, तो कोकोनट ऑयल तो सबके घर में मिलता है, प्योर हो या मार्केट वाला, जो भी है सब इफ़ेक्टिव होते हैं। मेरे खुद पे स्किन पे काम करा है, तो मैं यहाँ आप लोगों को एक पिक्चर दिखेगी, ये मेरी है कुछ अराउंड 5th-6th तक की है, मतलब 5th-6th month प्रेगनेंसी तक की है। तब तक मैंने एवरी टाइम डेली मैंने बाथ के बाद अपने टमी पे वो लगाया है कोकोनट ऑयल, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में, मेरे टमी एरिया पे बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन था, जिसकी वजह से मेरे को उस टाइम पे कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं आया। एक यहाँ पे एक यूज़फुल टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, यूज़फुल टिप ये है कि आप अपने टमी एरिया पे कोकोनट ऑयल उस टाइम पे अप्लाई करें जब आपने बाथ ले लिया है, और अपने टमी को उतना ज़्यादा क्लीन ना करें, थोड़ा थोड़ा उसको वेट रहने दें, और उसी के ऊपर आप अच्छे से कोकोनट ऑयल को रब करके उसी वेट एरिया पे अप्लाई कीजिए। उससे क्या होता है, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छे से हमारी स्किन में पेनिट्रेट करता है, अंदर तक जाता है, जिससे हमारे स्किन के टिश्यूज़ में, इलास्टिसिटी टिश्यूज़ में जो है मॉइस्चराइजेशन आता है। जब क्योंकि जब हमारी फिर बाद में अगर स्किन एक्सपैंड करेगी, तो एक्सपैंड करते टाइम उसमें मॉइस्चराइजेशन होगा और वो लाइन्स नहीं बनेंगे स्ट्रेच मार्क्स की। इसलिए ये बहुत यूजफुल टिप है, आप लोग इसे ज़रूर अपनाएं, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। नहाते ही अपने टमी को बहुत ज़्यादा साफ़ ना करें, उस पर थोड़ा थोड़ा पानी रहने दें, और उसी पानी में कोकोनट ऑयल को मिक्स करके बहुत अच्छे से हल्के हाथ से अपने टमी पे मसाज करें। अगर आप लोग कर सकें तो नाइट टाइम में भी ज़रूर कीजिए। अगर नाइट टाइम में कोकोनट क्रीम, कोकोनट ऑयल नहीं लगाना, तो और बहुत सी मॉइस्चराइजेशन क्रीम्स मार्केट में हैं, आप वो भी लगा सकती हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड भी बहुत सारी आती हैं, और दो मैंने अप्लाई करी हैं, जो मैं अभी इस टाइम पे यूज़ कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ अभी ज़रूर शेयर करूँगी। तो हम मैंने 5th-6th month तक प्रॉपर अप्लाई किया ऑयल, बहुत अच्छा इफेक्ट रहा।
उसके बाद अभी जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ये मेरी लास्ट टर्म की पिक्चर्स हैं, बिल्कुल नाइन्थ मंथ की मेरे टमी की। तो नाइन्थ मंथ में तक आने तक क्या हुआ था, गर्मियाँ आ गई थी और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा, प्रेगनेंसी में गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, बहुत सारा बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस वजह से हमें प्रेग्नेंट वुमेंस को गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है। मुझे भी उस टाइम पर बहुत गर्मी लगती थी, तो मेरा कुछ भी अप्लाई करने को मन ही नहीं करता था क्योंकि वो मुझे ऐसे स्टिकी स्टिकी सा फील होता था कि मुझे पसीना आ रहा है, मुझे स्टिकी स्टिकी लग रहा है। तो मुझसे वहाँ ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि मैंने अपनी टमी पे अप्लाई करना छोड़ दिया, कोकोनट ऑयल अप्लाई करना छोड़ दिया। नॉर्मल क्रीम्स मैं कभी लगा लेती थी कभी कभार, बट रेगुलर नहीं था। और इस एक मिस्टेक की वजह से मेरे टमी पे इतने सारे स्ट्रेच मार्क्स हो गए लास्ट टर्म तक आते आते। तो ये थी मेरी मिस्टेक जो मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में करी, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ये गलती ना करें। आपका चाहे किसी भी सीजन में प्रेगनेंसी चल रही है, उसको लास्ट टर्म तक अपने टम्मी को मॉइस्चराइज करिए ताकि आपके टम्मी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स ना आए। एक आधा आ गया तो नॉट अ बिग इशू, वो कोई बड़ी बात नहीं होती, बट बहुत ज़्यादा आना थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी लगा कि मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, बट अब तो कुछ हो नहीं सकता था, अब तो आ चुके थे। और आउट देयर ऑल प्रेगनेंट वुमेंस, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंट वुमेंस, प्लीज़ ये मिस्टेक ना करें, अपने बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करें। ज़रूर ज़रूर स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंट होंगे, होते हैं, अगर ख्याल करा जाए, ध्यान रखा जाए तो स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंट होते हैं। अगर एक बार हो गए फिर आप उनका कुछ नहीं कर सकते, आप उनको क्योर नहीं कर सकते, आप उन्हें ठीक नहीं कर सकते। नाउ आई एम इन माई सेकेंड प्रेगनेंसी और अभी मेरा चल रहा है फिफ्थ मंथ रनिंग है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी भी मैं ऐसा ही है, अब जो पुराने स्ट्रेच मार्क्स हैं वो तो हैं ही हैं। अभी जो आप ये पिक्चर देखेंगे ये मेरी हाल की फ़ोटो है, इस पे जो आपको ये थोड़ी थोड़ी वाइट लाइंस दिख रही हैं ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के हुए स्ट्रेच मार्क्स हैं, जो कि 2.5 साल में इतने फेड हो गए हैं, इन्होंने अपना कलर इस वे में ले लिया है, वाइटिश में। जब ये शुरू में थे तभी थोड़े रेड पिंक और उसके बाद ब्लैकिश हुए, फिर टाइम के साथ अब ये इतने वाइट हो गए हैं। तो अब इस टाइम मैं क्या कर रही हूँ, कोकोनट ऑयल अप्लाई करती हूँ हर बात के बाद वेट एरिया पे ही, और साथ ही साथ कुछ क्रीम्स हैं, लोशंस हैं जो मैंने अपने लिए बाय किए हुए हैं, वो मैं अप्लाई करती हूँ ऑन एंड ऑफ, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन एंड ऑफ। अगर मेरा कोकोनट ऑयल लगाने का मन नहीं होता तो उसमें एक है ये निविया का कोकोआ नरिश 48 डीप मॉइस्चराइजेशन केयर, ये वाला। मैं इसका जो सिंपल वाला होता है मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे कोकोआ वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये अच्छा भी है, ये मॉइस्चराइजेशन देता है, क्योंकि बाकी बॉडी पार्ट्स पे मैं ये अप्लाई करती हूँ। और इसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने किया है ये नायका का वंडरलस्ट जैपनीज चेरी ब्लॉसम, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, इसकी फ्रेग्रेंस सच में बहुत अच्छी है, इसकी खुशबू, इसकी अप्लाई करने का वो बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट है, बॉडी में एकदम अब्जॉर्ब हो जाता है, कोई स्टिकीनेस नहीं देता, ये सच में बहुत अच्छा है। मैं अभी इसको इस टाइम पे यूज़ कर रही हूँ। और एक थर्ड जो है वो है मॉम को की क्रीम, उसका मैं पिक्चर यहाँ लगा दूँगी, वो अभी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट वो मैं उसको भी कभी कभी ऑन एंड ऑफ यूज़ करती हूँ। मॉम को का है प्रेगनेंसी के लिए बटर कुछ करके उसका नाम है, मैं दिखा दूँगी यहाँ पे एक वो। ये तीन ऐसे लोशंस हैं जो मैं अभी इस टाइम पे, इस प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑन एंड ऑफ यूज़ करती हूँ, एंड ऑन रेगुलर बेसिस पे मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि दैट वॉज द बेस्ट। कोकोनट ऑयल की रिप्लेसमेंट कुछ नहीं हो सकती, बट हाँ अगर आप बार बार लगा के आपको स्टिकीनेस फील होता है, आपको इरिटेशन फील होती है, तो आप इन क्रीम्स पे स्विच कर सकते हैं, वो भी डेली के लिए नहीं, ऑन ऑफ के लिए, ताकि आपकी बॉडी में अच्छे से नरिशमेंट बनी रहे, मॉइस्चराइजेशन बनी रहे। ये था मेरा अपनी दो प्रेगनेंसीज का एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, मैंने क्या मिस्टेक की जो कि आप ना करें, कुछ क्रीम्स और लोशन की रिकमेंडेशन। तो आज की वीडियो में शायद मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, मुझे यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैं होप करती हूँ कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको ये हेल्पफुल लगे, उनके काम आए और वो स्ट्रेच मार्क्स से बच पाएँ। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में अगर आसपास कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें ताकि किसी के काम आ जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।